इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस थे, उनके पास लोग हदीस पढ़ते थे और उनका इल्म मारूफ था, पर वो जितनी देर पढ़ाते थे चेहरा छुपा के पढ़ाते थे, पढ़ाते थे तो चेहरा छुपा के पढ़ाते थे। तो एक शख्स ने बड़ा उनसे पढ़ा, जब जाने लगा तो कहने लगा उस्ताद जी चेहरा ही दिखा दें। तो उन्होंने चेहरा उठाया तो परेशान हो गया, यूँ लग रहा था जैसे इंसान का नहीं गधे का चेहरा। तो वो रो पड़े, कहने लगे मैं भी रोज़ माफ़ियाँ मांगता हूँ, तू भी दुआ करना। ये हदीस मैंने पढ़ ली थी कि इमाम से सबकत नहीं करनी चाहिए, ये हदीस मैंने पढ़ ली थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी सेहत देखता हूँ, गौर करता हूँ, कहीं शुबा है तो बस मुझसे सबकत हो गई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सजा दी है। दुआ करो अल्लाह हम सबको निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला दरगुजर वाला मामला। हम भागते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि फतह भी जल्दी हो, कामयाबियाँ भी जल्दी हो, माल डाला है तो फिर उसका नफ़ा भी।